आर्किटेक्चर हमारा स्क्रू थ्रेड पे जैसे बताया गया था कि उसमें हम कैसे क्या क्या चीज़ मेजर करेंगे, जैसे मेजर डायमीटर तक हम डिस्कस किए थे, आगे हम माइनर डायमीटर से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमको डिस्कस करना था ये सारे चीज़, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव और पिच डायमीटर, पिच, थ्रेड एंगल और फॉर्म। तो इसमें से मेजर हो गया है, माइनर हम कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। तो माइनर डायमीटर क्या होता है कि जो रूट से जो सटा हुआ रहता है, जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये हमारा है, आधा पार्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ तक का जो लेंथ मेजर करेंगे उसको हम कैसे मेजर करें, उसका क्या तरीका है वो हम मेजर करने की कोशिश करेंगे। द माइनर डायमीटर इज मेजर्ड बाय अ कंपेरेटिव मेथड्स बाय यूजिंग फ्लोटिंग कैरिज डायमीटर मेजरिंग मशीन एंड स्मॉल वी पीस विच मेक कॉन्टैक्ट विद द रूट ऑफ द थ्रेड। तो इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो फ्लोटिंग कैरिज डायमीटर मेथड से हम मेजर करेंगे। तो दीज वी पीसेस आर मेड इन सेवरल साइजेस हैविंग सुटेबल रेडियाई एट द एजेज। तो जो माइनर डायमीटर है वो हम क्या करेंगे, इसमें मेजर करने के लिए हमारे पास वी शेप का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट साइज का हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको हम उसमें डाल के फिर उसमें जो कहीं टच नहीं करे आसानी से उसके रूट तक पहुंच जाएगा उसको डाल के फिर उसके बाद हम दोनों साइड से मेजर करेंगे। तो ये कंपेरेटिव मेथड है, मतलब एकदम अच्छा एक्यूरेसी तो नहीं मिलता है लेकिन हम मेजर करने का यही इसी तरह का हमारे पास मतलब चीज है कि मेजर कर सकते हैं। बी पीसेस आर मेड ऑफ हार्डेन स्टील, द फ्लोटिंग कैरिज डायमीटर मेजरिंग मशीन इज अ बेंच माइक्रोमीटर माउंटेड ऑन द कैरिज। देखते हैं इसका सेटअप कैसा है। द थ्रेडेड वर्क पीस आर माउंटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड वी पीसेस आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द वर्क पीस एंड देन रीडिंग इज नोटेड। आफ्टर द टेकिंग द रीडिंग द वर्क पीस इज रिप्लेस्ड बाय अ स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेंडर सेटिंग गेज। तो आगे हम देखते हैं इसका सेटअप क्या है। ये कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे माइनर डायमीटर इक्वल टू जो थ्रेड का जो माइनर डायमीटर हमको निकालना है, डी इक्वल टू डी प्लस माइनस R2 - R1। जो डी हमारा है डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल गेज, R2 माइक्रोमीटर रीडिंग ऑन थ्रेड वर्क पीस, R1 इज माइक्रोमीटर रीडिंग ऑन सिलिंड्रिकल गेज। तो कुछ अब हम इसका हम सेटअप तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं दिखाने का। जैसे हमारे पास ये थ्रेड है तो इसमें हम कुछ ऐसे एक गेज दोनों साइड से लगाएंगे जो सूटेबली इसमें घुस मतलब आ जाएंगे,
इसको ऐसे मेज़र करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली लेंथ दे देगी। तो ये था माइनर डायमीटर मेज़र करने के लिए। यदि मान लीजिए कि इंटरनल थ्रेड होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे इंटरनल थ्रेड क्या होगा कि अंदर से थ्रेड कटा हुआ रहेगा, तो इसके बीच को हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें अंदर से थ्रेड कटा हुआ है, तो इसको मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसमें दो मेथड है, यूजिंग टेपर पैरेलल्स और यूजिंग रोलर्स। तो इसमें हम आउटर डायमीटर कैसे इसका मेजर करेंगे, जैसे ये वाला लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए टेपर पैरेलल हम दो घुसाएंगे, उसका हम लेंथ, जैसे ये चीज हो गया, परफेक्टली फिट हो जाएगा ये वाला सेटअप में, तो इतना उसका ये वाला जो लेंथ है वो हमारा इनर डायमीटर हो गया। यूजिंग टेपर पैरेलल्स फॉर डायमीटर लेस देन 20, इसमें लिमिटेशन ये है कि 200 mm से नीचे का हम मेजर कर सकते हैं और इससे ऊपर का हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा वो है रोलर टाइप का। फॉर मोर देन 200 mm डायमीटर दिस इज मेथड इज यूज्ड। प्रिसीजन रोलर्स आर इंसर्टेड इन साइड द थ्रेड। जो इंटरनल थ्रेड है उसमें हम दो जो रोलर है उसको हम डालते हैं, प्लेस करते हैं और फिर उसका वो रीडिंग हमको बता देता है। और बीच में हम स्लिप गेज डालते हैं। स्लिप गेज डालेंगे तो वो हमारे पास जो टोटल लेंथ कितना है वो मेजर हो जाएगा यहाँ से। जैसे ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ में। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों रोलर का डायमीटर प्लस जो स्लिप गेज है उसको मेजर कर लेंगे, तो हमारा टोटल इसका माइनर डायमीटर इंटरनल थ्रेड्स का हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है पिच मेजरमेंट। अब पिच कैसे मेजरमेंट करेंगे, जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल तक का जो जो रेडियस आएगा उसको हम पिच सर्कल डायमीटर बोलेंगे। तो वो कैसे मेजर करेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर मेजरिंग द पिच आर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पिच मेजरिंग मशीन। तो पिच मेजरिंग मशीन के लिए इसमें टू बॉल मेथड आता है एक और थ्री बॉल मेथड। तो टू बॉल मेथड जो है वो हमारे सिलेबस तक है लेकिन थ्री बॉल नहीं है। तो थ्री बॉल में क्या कि एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन उसका इतना टू बॉल का एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि उसमें फ्लोट करता रहता है, फ्लोट की वजह से उसमें एरर इंक्लूड हो जाता है। तो हम टू वायर मेथड को डिस्कस करेंगे इसमें अभी नेक्स्ट। तो मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर, जो पिच डायमीटर है उसको मेजरमेंट करने के लिए टू वायर मेथड सूटेबल तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन हम उसको यूज करते हैं। थ्री वायर ज़्यादा सूटेबल होता है। तो टू वायर मेथड के देखते हैं क्या क्या इसमें ज़रूरी पड़ेगा। इसमें हम द इफेक्टिव डायमीटर कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट मेड। इसमें हम क्या करेंगे, दो बॉल लेते हैं, बॉल रख और उसको फिर हम ऊपर से दो हमारे पास जॉ होता है, जॉ उस पे जो थ्रेड होता है थ्रेड के बीच में बॉल रखते हैं और ऊपर से दो जो जॉ होता है उससे हम उसको
प्रेस करते हैं, तो उस जो थ्रेड इनर जो डायमीटर है वो हम मेजर करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पिच लेंथ है P/2, तो वायर आर एग्जैक्टली नॉन डायमीटर आर चूजन सच दैट दे कॉन्टैक्ट द फ्लैंक्स एट देयर स्ट्रेट पोर्शन। नेक्स्ट, इफ द साइज ऑफ द वायर इज सच इट कॉन्टैक्ट द फ्लैंक्स एट द पिच लाइन इट इज कॉल्ड द बेस्ट साइज। तो जो थ्रेड में हम डालेंगे वायर वो एकदम फिट आ जाएगा उस थ्रेड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बेस्ट बेस्ट साइज बोलेंगे, उसी पे हम मेजरमेंट करेंगे ऑफ वायर विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ज्योमेट्री ऑफ स्क्रू थ्रेड। द स्क्रू थ्रेड इज माउंटेड बिटवीन द सेंटर एंड वायर्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप्स एंड रीडिंग एम इज टेकन। अब इसमें दो टाइप का जो मेजरमेंट होता है वो हम यूज करते हैं, रीडिंग जो होता है दो एम टाइप और पी टाइप, तो हम यहाँ पे करेंगे एम टाइप से। देन द इफेक्टिव डायमीटर इक्वल टू टी प्लस पी। तो ये जो चीज है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। वेयर टी टी इक्वल टू एम माइनस टू डी एंड पी इज अ वैल्यू विच डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ वायर पी इज वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ वायर पिच एंड एंगल ऑफ स्क्रू थ्रेड। ये सारे चीज पर डिपेंड करेगा, तो इसको पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जैसे ये मैंने टू वायर मेथड है, इसका जो सेटअप है स्क्रू थ्रेड का, इसमें हम प्लेस करके फिर ऊपर से ये वाला हमारा सेटअप दोनों ये टच करेगा, इसमें ये बेस्ट और जो फिट आएगा उसको हम डाल के फिर यूज करते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन है इसमें, पी वैल्यू कैन बी जो टू वायर मेथड है इसमें, इस पर एक चीज़ बात करते हैं कि इसमें जो ये जो है ना ये फ्लोट करता रहता थोड़ा बहुत, यदि इसमें थ्री वायर मेथड रहता तो ज़्यादा एक्यूरेट होता। तो इसमें पहले तो दो वायर मेथड से यूज करते हैं फिर थ्री पे, तो थ्री वायर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो इसमें फिर जो पी का वैल्यू है, जो अननोन चीज़ था उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। द पी वैल्यू कैन बी ड्राइव इन टर्म्स ऑफ पिच डीज डायमीटर ऑफ वायर एंड एक्स थ्रेड एंगल इज फॉलोज। तो बी सी इज इक्वल टू 1/2 पिच या फिर 1/2 पी। नेक्स्ट ओ पी इज इक्वल टू डी कोसेक x/2/2। तो कुछ ये रिजल्ट हमारा बन के आता है। थैंक यू। तो ये हमारा स्क्रू थ्रेड का टॉपिक था जो कवर हो गया। अब हम गियर मेट्रोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।